Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your science teacher. Today we will start our chapter number 9 of science book by Brain Root series. Hamari book ka kya naam hai? Science Spark Class 1. Aur hamare chapter ka naam hai Safety First. Suraksha pehle. To chaliye apna chapter start karte hain. इस चैप्टर में आप सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि सुरक्षा कहाँ कहाँ अपनानी चाहिए. एट होम, इन द स्कूल बस, ऑन द रोड, इन द प्लेग्राउंड, अदर सेफ्टी रूल्स और इन द स्कूल. स्कूल में क्या क्या सुरक्षाएं या क्या क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट वी विल डू वार्म अप. सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे. Look at the picture given below. नीचे एक पिक्चर दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए. Mark a cross in the box beside the children who you think may get hurt. इस पिक्चर में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं. आपको उस बॉक्स में क्रॉस करना है जिसे देख के आपको ये लगता है कि दूसरे बच्चे को चोट लग सकती है. देखिए, बच्चा झूले पे झूल रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है? सेफ्टी के साथ नहीं झूल रहा है. इसका मतलब वो नीचे गिरेगा और उसको चोट लग सकती है. तो हम बॉक्स में क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे. इसी तरह आप सारी पिक्चर्स को देखेंगे और उसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे. सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म. सुरक्षा का मतलब क्या है? दुर्घटना से या जिस चीज़ से हमें हानि पहुंचने वाली है उससे दूर रहना. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप आर सेल्फ सेफ. हम सेफ्टी रूल्स क्यों अपनाते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. एन एक्सीडेंट कैन अक्यूर इफ़ वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट हो सकता है कब? जब हम सावधानी नहीं बरतेंगे. हेयर आर A few safety rules that we all must follow. अब मैं आपको कुछ safety rules के बारे में बताऊंगी जिन्हें हम सबको follow करना चाहिए. At home, घर पर हमें क्या क्या safety rules अपनाने चाहिए? Do not climb on the shelf. Shelf पे नहीं चढ़ना चाहिए. देखिए इस picture में ये बच्चा कहाँ चढ़ रहा है? Shelf पे. और क्या हुआ? वो गिर गया, तो उसको क्या लगी? चोट लग गई. यू मे फॉल डाउन अलॉन्ग विद अ फ्यू हैवी थिंग्स. देखिए इसमें भी यही बता रहे हैं कि अगर आप शेल्फ पे चढ़ेंगे तो आप गिर सकते हैं, और आप पर क्या गिर सकती है? भारी चीजें. आस्क एन अडल्ट टू हेल्प यू. किसी बड़े को बोलिए अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस एंड प्लग. बिजली की तारे, स्विच को नहीं छूना चाहिए. क्यों? इट कैन बी डेंजरस. वो खतरनाक हो सकती हैं. यू मे गेट अ शॉक. आपको करंट लग सकता है. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर, नाइफ्स और टूल्स. आपको तेज धार वाले औजारों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कैची, चाकू, ब्लेड आदि. इनसे क्या होगा? If may get a cut, you are not careful. अगर चाकू से खेलते हुए आपको कट लग गया तो क्या है? वो आपके लिए सुरक्षित नहीं है. आपको चोट लग जाएगी, खून निकलेगा. Do not play near fire or with matchstick. आपके पास नहीं खेलना चाहिए और माचिस से भी नहीं खेलना चाहिए. Burns caused by fire are painful. अगर आग से आप जल जाएं या आपको कोई चोट लग जाए आग से, तो वो क्या होती है? बहुत पेनफुल, बहुत दर्द होता है. कई बार हमने देखा है छोटी सी चीज़ से अगर हमारा हाथ जल जाए, माचिस की चिंगारी से भी अगर हाथ जल जाए तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है. इन द स्कूल, अब हम बताएंगे स्कूल में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. You should not run around in the classroom. Classroom में भागना नहीं चाहिए. You might hit the desk and hurt yourself. अगर क्लास में भागेंगे
टेबल चेयर बेंच डेस्क से आप टकराएंगे और क्या होगा, आपको चोट लगेगी। यू शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क, डेस्क पे कूदना नहीं चाहिए। व्हेन वॉकिंग इन द कॉरिडोर कीप टू अ साइड, जब भी आप कॉरिडोर में चलें स्कूल के कॉरिडोर में तो बीच में नहीं चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, साइड में, ताकि और आने जाने वालों को निकलने की जगह मिले। यू शुड नॉट जंप और रन ऑन द स्टेयरकेस, स्कूल्स में सीढ़ियाँ होती हैं, हमें सीढ़ियों पे भागना या कूदना नहीं चाहिए। अ फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस कुड बी वेरी पेनफुल, अगर आप सीढ़ियों से गिर गए तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी और बहुत दर्द होगा। देखिए ये बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, उसको क्या लगी, चोट लगी और बहुत दर्द हुआ। टेस्ट योर स्किल, चलिए अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। राइट एस फॉर सेफ एंड यू फॉर अनसेफ एक्शन, यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, मतलब कुछ बातें बताई हुई हैं जो हमारे लिए सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उसके लिए आप एस लिखेंगे और जो असुरक्षित हैं उसके लिए आप यू लिखेंगे। निधि इज प्लेइंग विद अ नाइफ, निधि चाकू से खेल रही है, ये सेफ है या अनसेफ है, ये अनसेफ है क्योंकि चाकू से हमें नहीं खेलना चाहिए। वरुण इज लीनिंग आउट ऑफ द विंडो, वरुण खिड़की से बाहर झांक रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट सेफ, तो हम इसके लिए भी यू लिखेंगे। रेस्ट थ्री यू विल रीड बाय योर सेल्फ एंड यू विल डू इट योर सेल्फ। इन द स्कूल बस, अब हम पढ़ेंगे स्कूल बस में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू शुड नेवर स्टिक आउट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो, कभी भी बस से अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। यू शुड नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ द स्कूल बस, स्कूल बस से बाहर खिड़की से कोई भी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। अगर आप सड़क पे चीज़ें फेंकेंगे तो जो सड़क पर लोग जा रहे हैं उनको चोट लग सकती है। यू शुड नॉट ट्राई टू क्लाइम इन अ मूविंग बस, चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। नाउ आई विल टेल यू विच सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो ऑन द रोड, हमें सड़क पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड, सड़क पर नहीं भागना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, जब भी आपको चलना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, फुटपाथ का। ऑलवेज यूज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, आपको जब भी रोड क्रॉस करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स फॉर व्हीकल्स ऑन द रोड, आप सब ने रोड पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी, वो किसके लिए होती हैं, व्हीकल्स के लिए, और उसमें क्या होते हैं, तीन कलर, किसमें, ट्रैफिक लाइट में, दे हैव थ्री कलर्स, ट्रैफिक लाइट के थ्री कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन येलो। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कलर्स का यूज़ क्या होता है। व्हेन इट टर्न्स रेड द ट्रैफिक स्टॉप, जब रेड लाइट जलती है तो सारा ट्रैफिक रुक जाता है। व्हेन इट टर्न्स येलो द ट्रैफिक वेट्स, जब येलो लाइट होती है तो ट्रैफिक क्या करता है, वेट करता है, किस लिए, जाने के लिए। When it turns green, the traffic moves. और जैसी green light होती है तो traffic चलने लगता है। Now we will do one activity. Observe a traffic policeman control the movement of traffic at a crossing. आपने कभी देखा है जो traffic policeman होता है वो क्या करता है, traffic को कैसे control करता है। Now enact the role of a traffic policeman in your classroom. अब आपको traffic policeman का role निभाना है अपनी class में। Traffic policeman कैसे करता है, अगर traffic को रोकना है वो stop करता है, जब कहता है चलने के लिए तो ऐसे करता है, और क्या करता है, whistle बजाता है, सीटी बजाता है। Let other children play the role of vehicles coming from the different road at crossing. आप पुलिसमैन का रोल
प्ले करेंगे और बाकी बच्चे व्हीकल्स का जो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं चारों तरफ से। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करके देखेंगे। नाउ आई विल टेल यू विच सेफ्टी रूल्स यू हैव टू फॉलो इन द प्ले ग्राउंड। जब आप मैदान में खेलते हैं, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन द प्ले ग्राउंड, हमेशा प्ले ग्राउंड में खेलिए, वहाँ खेलना हमारे लिए सेफ होता है। वियर योर शूज वाइल्ड प्लेइंग, जब भी आप खेलें तो क्या पहने, अपने जूते पहने। नाउ अदर सेफ्टी रूल्स, अब मैं आपको कुछ और सेफ्टी रूल्स के बारे में बताऊंगी। नेवर थ्रो बनाना स्किन ऑन द रोड, समवन मे स्लिप ओवर इट एंड फॉल डाउन। केला खाकर कभी भी उसका छिलका सड़क पर मत फेंकिए। क्या होगा अगर वो केले का छिलका किसी के पैर के नीचे आ गया तो कोई फिसल जाएगा और गिर जाएगा। नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन, कभी भी तैरने के लिए अकेले मत जाइए। ऑलवेज प्ले इन अ प्ले ग्राउंड, हमेशा प्ले ग्राउंड में खेलिए। नेवर पुश अदर चिल्ड्रन वाइल स्विमिंग, जब भी आप स्विमिंग करें तो दूसरे बच्चों को धक्का नहीं देना चाहिए। बच्चों, हमें खेलते समय, सीढ़ियों से उतरते समय या बस में चढ़ते समय किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, उससे दूसरे को चोट लग सकती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेन वी गो आउट एट नाइट वी शुड वियर ब्राइट क्लॉथ सो डेट वी कैन बी सीन ईजली। जब भी आप रात को बाहर जाएं तो आपको ब्राइट क्लॉथ पहनने चाहिए जो अंधेरे में चमकते हैं और कोई भी हमें ईजली पहचान लेगा। सपोज करो रात का अंधेरा है और आपने ब्लैक कपड़े पहने हैं, क्या आपको कोई देख पाएगा? नहीं। आपने ब्लू पहने हैं तब भी कोई नहीं आपको देख पाएगा। अगर आपने वाइट, पिंक ऐसे कपड़े पहने हैं तो आप रात के अंधेरे में साफ नजर आएंगे। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल टू बी सेफ एट होम, एट स्कूल एंड ऑन द रोड। हमें सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए घर में, स्कूल में और सड़क पर। देयर आर ट्रैफिक लाइट फॉर व्हीकल्स ऑन द रोड। ट्रैफिक लाइट हैव थ्री कलर्स, रेड, येल्लो एंड ग्रीन। ट्रैफिक लाइट में तीन कलर्स होते हैं, रेड, येल्लो और ग्रीन। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाइए। When the traffic light is red, it means, जब ट्रैफिक लाइट में लाइट रेड कलर की है तो उसका क्या मतलब है? Be alert, run, stop or go. Red light कहती है stop, that's mean option C is correct. Number टू, you should play with, आपको खेलना चाहिए नाइफ से, ब्लेड से, इलेक्ट्रिक स्विच से या फिर टॉयज से। हमें खेलना चाहिए टॉयज से। नंबर थ्री, ऑलवेज प्ले इन द, हमेशा कहाँ खेलना चाहिए? प्ले ग्राउंड, रोड, जू या नन ऑफ दिस। हमेशा प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए। अ फॉल फ्रॉम द स्टेयर केस कुड बी वेरी, अगर आप सीढ़ियों से गिर गए तो क्या होगा? इट मे बी गुड, पेनफुल, एंजॉयबल या हेल्दी। वो बहुत पेनफुल होगा, चोट लगेगी, दर्द होगा, जो हमारे लिए बहुत पेनफुल है। नाउ एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस हैं, उसमें से सही आंसर को आपको चुनना है और खाली स्थान को भरना है। यू शुड नॉट प्ले विद, आपको नहीं खेलना चाहिए बॉल से या ब्लेड से। सही आंसर है ब्लेड, तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? ब्लेड, बी एल ए डी ई, ब्लेड। सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम, सुरक्षा का मतलब है किससे बचाव, स्कूल से या डेंजर से। करेक्ट आंसर है डेंजर, तो हम यहाँ लिखेंगे डी ए एन जी ई आर, डेंजर। नंबर थ्री,
इफ यू टच इलेक्ट्रिक वायर यू मे गेट अ, अगर आप बिजली की तारों को छूओगे तो आपको क्या लगेगा, फॉल या शॉक? करेक्ट आंसर है शॉक, हमें करंट लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे शॉक, SHOCK, शॉक। नंबर 4 एंड नंबर 5 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, अगर वो सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1, वी शुड प्ले विथ मैच स्टिक, हमें माचिस की डिब्बी से खेलना चाहिए, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। नंबर 2, वी शुड नॉट प्ले विद नाइफ एंड सीजर, हमें चाकू और कैची से नहीं खेलना चाहिए, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो हम इसके लिए लिखेंगे ट्रू। द नेक्स्ट वन, इट इज ऑल राइट टू गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती बस से उतरना सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। नंबर 4 एंड नंबर 5 यू विल डू बाय योरसेल्फ। एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय डियर किड्स, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज डी बाय योरसेल्फ। इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट सेफ्टी रूल्स, हमने सुरक्षा के नियमों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप यू लर्न सो मैनी सेफ्टी रूल्स फ्रॉम दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।